नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने की केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी के साथ देश के सबसे बड़े जैव ऊर्जा संयंत्र को लोगों को किया समर्पित। किसानों को पराली के अवशेषों से मिलेगी राहत। अमृतसर की लिबर्टी मार्केट में एक दुकान में गोली चलने से फैली सनसनी, एक नौजवान हुआ घायल। सचखंड श्री दरबार साहिब में अलग अलग देशों के अम्बेसडर और हाई कमिश्नर हुए नतमस्तक। सूचना अधिकारियों की ओर से किया गया सम्मान। और अब हलचल विस्तार से। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी के साथ 20 एकड़ क्षेत्र में 230 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किए गए देश के सबसे बड़े जैव ऊर्जा संयंत्र को लोगों को समर्पित किया। संगरूर के लहरा का गंग में जर्मनी की बायोगैस बनाने वाली वर्वियो कंपनी की ओर से किसानों के खेतों से धान की पराली को इकट्ठा कर उसे बायोगैस बनाकर पराली को गैस और खाद में बदला जा रहा है। यह पंजाब का अब तक का सबसे बड़ा और पहला CBG प्लांट है। यहां से बनी गैस से गाड़ियां चल रही हैं। फिलहाल इसकी सप्लाई संगरूर जिले के आसपास के 10 पेट्रोल पंपों पर CBG के तौर पर की जा रही है, जिससे गाड़ियां अच्छी माइलेज देती हैं और किसानों के खेतों में पड़ी पराली का भी खात्मा हो रहा है। फिलहाल कंपनी किसानों के खेतों से धान की पराली को उठाकर अपने प्लांट में ले जाती हैं, जहां पर इससे बायोगैस बनाई जाती है। इस दौरान मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह एक अच्छी शुरुआत है, इससे संगरूर इलाके के 45,000 एकड़ जमीन वाले किसानों को लाभ हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस तरह के और भी प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे, जिससे हमारी धरती और हवा साफ सुथरी रहेगी और पराली की समस्या भी खत्म होगी। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। मंत्री साहब हरदीप पुरी जी पेट्रोलियम ते गैस मंत्री ने अज पराली की बहुत बड़ी समस्या जिहड़ी है साडे सामने, वह एक शानदार हल जिहड़ा वर्वियो कंपनी जिहड़ी है वह गैस बना रही है। 45,000 एकड़ लहरगागे के इलाके का जिहड़ा पराली है उन्होंने ये गैस के बदलने, खाद के बदलने। सो पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत, गुरु नानक साहब के जो ये वचन ने उन्होंने जो तिने दर्जे जो असं कायम रख सकी तो साढ़े तो किस्मत वाला कोई हो बहुत पंजाबी की। जिस तरह मंत्री साहब ने कहा कि बड़ी समस्या है, आने वाले दिनों होर भी लगन के प्लांट तो असं पंजाब की हवा आबो हवा बचा लें। नमस्कार के दोनों के कुछ आंकड़े आपके साथ शेयर किए, ठीक है। ये जो प्रॉब्लम है यहाँ पे, ये मल्टीपल फ्रंट्स पे इस पे आक्रमण करना पड़ेगा आपको। जो माननीय प्रधानमंत्री जी की स्कीम है, सतत की स्कीम है, उसमें हमारा ओवरऑल टारगेट है 5,000 प्लांट्स बनाने का। अभी हमने शुरू किया, अभी 40 प्लांट्स लगे हैं, ये उसमें सबसे बड़ा है। कंप्रेस बायोगैस के अलावा हम एथेनॉल भी बना रहे हैं एग्रीकल्चरल वेस्ट से और बाकी फीड स्टॉक से। इस एरिया के अंदर 40 से 45,000 एकड़ जो फील्ड्स हैं, इनमें एक वर्ष में 150-1.5 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस की रिडक्शन होगी। जो एम्प्लॉयमेंट के फिगर्स हैं आपने मैंने जो यूज किए हैं, देखिए अभी तो ये सब शुरुआत हुई है, अब मैं किसको कितनी तेजी से ये पकड़ता है। अभी तो ये मैंने आपको बताया 7 टन पर डे प्रोड्यूस कर रहा है CBG, पर इसको जल्दी से इसको 33 टन पर डे के फिगर पे ले जाएंगे। अमृतसर की लिबर्टी मार्केट में उस समय सनसनी फैल गई जब एक दुकान में गोली चल गई। मिली जानकारी के मुताबिक एक पुलिस कर्मचारी अमृतसर के लिबर्टी मार्केट में एक दुकान में मोबाइल खरीदने जाता है। इस दौरान उसने अपनी सर्विस रिवॉल्वर दुकानदार के काउंटर पर रख दी, जिसके बाद उस रिवॉल्वर में से गोली चल जाती है, जिस कारण दुकानदार अंकुश गोली लगने के कारण बुरी तरह से घायल हो जाता है, जिसे उपचार हेतु अमृतसर के एक निजी अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। इस मौके पर मार्केट के दुकानदारों ने बताया कि पुलिस कर्मचारी की रिवॉल्वर में से गोली चली है, जिस कारण नौजवान के कंधे पर गोली लगने के कारण वह घायल हो गया है।
वहीं मौके पर पहुंचे डीसीपी इन्वेस्टिगेशन मुखविंदर सिंह भुल्लर ने कहा कि फिलहाल नौजवान का इलाज चल रहा है। इलाज के बाद नौजवान पुलिस को जो बयान दर्ज करवाएगा उसी के हिसाब से कार्यवाही की जाएगी। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला। उत्थे जाके पता लगा भी जेडे एएसआई सीगा साडे उत्थे पोस्टेड सीगे से अपना चौंकी लॉरेंस रोड दे विच ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਿਸਟਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਵਿਕਰਾਂਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਏਐਸਆਈ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਪਿਸਟਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਏਐਸਆਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਦੇ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਹਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣਗੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸੀ ਹੋਈ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਗਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਚਾਨਕ ਵੀ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ अलग अलग देशों के अम्बेसडर और हाई कमिश्नर सचखंड श्री दरबार साहिब में नतमस्तक होने के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सचखंड श्री दरबार साहिब में नतमस्तक होकर गुरुवाणी के कीर्तन का श्रवण किया और सरबत के भले की अरदास भी की। इस वफद में अम्बेसडर ऑफ इंडिया टू टैंगो संजीव कुमार टंडन, अम्बेसडर ऑफ इंडिया टू यूएसए तरनजीत सिंह संधु, अम्बेसडर ऑफ इंडिया टू नीदरलैंड रीनत संधु, अम्बेसडर ऑफ इंडिया टू रशिया पवन कुमार, अम्बेसडर ऑफ इंडिया टू रिपब्लिक ऑफ तुर्की वरिंद्र कुमार पॉल, अम्बेसडर ऑफ इंडिया टू मंगोलिया महेंद्र प्रताप सिंह शामिल थे। इन अम्बेसडरों को सूचना अधिकारियों की ओर से सम्मानित भी किया गया। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। आज साढ़े लिए बहुत ही खुशी का दिन है। असी सारे कई देशों तो अम्बेसडर मिल के दरबार साहब आए हैं मत्था टेकन ली। सो बहुत अच्छा लग्या। वाहेगुरु जी की ब्लैसिंग्स लिया और सारे की सुख शांति लिए प्रार्थना की। ਇੱਥੇ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਦੇ 4 ਅੰਬੈਸਡਰ ਅੰਦਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੈਦਰਲੈਂਡਸ ਦੇ, ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ, ਤੁਰਕੀ ਦੇ, ਟੋਗੋ ਦੇ ਅਤੇ ਮੰਗੋਲੀਆ ਦੇ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰ ਬਾਰ ਆਉਣ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। APJ ਕਾਲਜ ਆਫ ਫਾਈਨ ਆਰਟਸ ਜਲੰਧਰ ਕੇ ਬੈਚਲਰ ਆਫ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਫਾਈਨ ਆਰਟਸ ਅਪਲਾਈਡ ਆਰਟਸ ਸਕਲਪਚਰ ਐਵਮ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਯਾਸ ਸੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੀਵਾਲੀ ਮੇਲੇ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਾ ਆਗਾਜ਼ ਬੜੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਕੀਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀਵਾਲੀ ਮੇਲੇ ਮੇ ਮੁੱਖ ਅਤਿਥੀ ਕੇ ਰੂਪ ਮੇ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਵਾਣੀ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜਲੰਧਰ ਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ IAS ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਪਸਥਿਤ ਹੋਏ, ਜਬਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤਿਥੀ ਕੇ ਰੂਪ ਮੇ APJ ਸੱਤਿਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ, APJ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਕੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਜੇਸ਼ਵਰ ਸੰਗੀਤ, ਅਕੈਡਮੀ ਟਰੱਸਟ ਕੀ ਸੀਨੀਅਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਡਾਕਟਰ ਸੁਚਾਰਿਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਉਪਸਥਿਤ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਾਚਾਰਿਆ ਡਾਕਟਰ ਨੀਰਿਜ਼ਾ ਢਿੰਗਰਾ ਨੇ ਅਤਿਥੀਓਂ ਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਸੇ ਅਭਿਨੰਦਨ ਕੀਆ। ਦੀਵਾਲੀ ਮੇਲੇ ਮੇ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਫਰਨੀਚਰ, ਹੋਮ ਡੋਕੋਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ, ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੇ ਛਾਤਰੋਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਕਰੀਨ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਕੇ ਦੁਪੱਟੇ, ਹੈਂਡਮੇਡ ਜੁਵਲਰੀ ਇਤਿਆਦਿ ਕਲਾ ਪ੍ਰੇਮੀਓਂ ਕੇ ਆਕਰਸ਼ਣ ਕਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਰਹੀ। दिवाली मेले पर विद्यार्थियों ने नेल आर्ट्स एवं खाने पीने के स्टॉल्स भी लगाए। दिवाली मेले में जहां एक तरफ विद्यार्थियों ने दिवाली के लिए बहुत सारी शॉपिंग की, नेल आर्ट करवाने में भी अपनी रुचि दिखाई, तो वहीं दूसरी तरफ ऑन द स्पॉट प्रोटेक्ट्स बनाने में भी और ऑन द स्पॉट फोटोग्राफी कराने में उनकी खुशी देखने लायक थी। स्टूडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से दिवाली मेले के दिन को एथनिक डे के रूप में मनाया गया, जिसमें कॉलेज के काफ़ी विद्यार्थी सांस्कृतिक पहनावे में आए और त्यौहार के माहौल को 4 चांद लगा दिए। जालंधर से कैमरामैन सुदेश भगत के साथ कुश चावला की रिपोर्ट।
अज असीं इत्थे इकट्ठे हुए हाँ ए पी जे कॉलेज दे विच एक दिवाली फेस्ट लगाया जा रहा है। सब तो चंगी गल की है कि जेड़े साडे नौजवान मुंडे कुड़ियां ने उन्हां वल्लों ये प्रोडक्ट्स बनाए गए ने ते एंटरप्रेन्योरशिप ते डिग्निटी ऑफ लेबर जिहड़ी है उहदे ते फोकस्ड है। इत्थे ये सीख भी रहे ने ते अर्न भी कर रहे ने। सो लर्न एंड अर्न दैट इज़ द एथोस बिहाइंड ऑर्गनाइजिंग दिस मेला। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू डू ड्रॉप इन हेयर ते इत्थे आके बच्चों के जो आर्ट एंड क्राफ्ट इन्होंने बनाए ने उन्होंने देखो तो इन्हों उत्साहित करो। धन्यवाद। कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स के दिवाली मेला ऑर्गनाइज किया गया। ये पिछे साडा जिहड़ा मोटिव है बच्चों पढ़ पढ़ाई के नाल नाल अपनी जिहड़ी एंटरप्रेन्योरशिप डिवेलपमेंट वास्ते असीं उन्हां नूं मोटिवेट कर रहे हैं। और अज मोरदन 35 नीयरली 40 स्टॉल्स है जिथे डिस्प्ले किए और ये नीयरली यू कैन से कि 10% ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द होल कॉलेज स्टूडेंट्स हैव टेकन पार्ट इन दिस। और बहुत अच्छा राइट फ्रॉम ड्रेस डिजाइनिंग इंटीरियर डिजाइनिंग फाइन आर्ट्स पेंटिंग और ब्यूटी एंड कल्चर जिहड़े ये सारे डिपार्टमेंट्स ने और ईवन होम साइंस कुकिंग एंड केटरिंग और बहुत वैरायटी ऑफ स्टॉल्स इत्थे डिस्प्ले किए गए हैं। ये हैंडमेड प्रोडक्ट्स फोटोग्राफी बहुत वैरायटी जिहड़ी इत्थे ऑफर की जा रही है। एससी कमीशन के चेयरमैन विजय सांपला ने दिल्ली में सरकारी आवास में गृह प्रवेश के अवसर पर हवन यज्ञ करवाया जिसमें विजय सांपला के पारिवारिक सदस्य भी शामिल हुए। इसके अलावा दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज ने भी विशेष तौर पर शिरकत की। गौरतलब रहे कि एससी कमीशन के चेयरमैन विजय सांपला को दिल्ली के लोधी स्टेट में सरकारी मकान अलॉट किया गया है और इस घर में गृह प्रवेश के अवसर पर विजय सांपला की ओर से हवन यज्ञ करवाया गया। पंजाब सरकार की ओर से इस बार लोगों को ग्रीन दिवाली मनाने की अपील की गई है क्योंकि दिन प्रतिदिन बढ़ रहे प्रदूषण के कारण जहां वातावरण खराब हो रहा है तो वहीं अनेकों बीमारियां भी पैदा हो रही हैं। इसी के चलते नाभा ब्लॉक के अलग अलग सरकारी स्कूलों के छात्रों की ओर से गांव-गांव जाकर संदेश दिया जा रहा है कि सभी गाँववासी इस बार ग्रीन दिवाली मनाएं।
इस मौके पर शिक्षा विभाग के ब्लॉक अधिकारी जगजीत सिंह ने कहा कि वह यह संदेश सभी को दे रहे हैं कि वे ग्रीन दिवाली मनाएं और घर में एक पेड़ भी लगाएं ताकि वातावरण को साफ रखा जा सके। इस अवसर पर स्कूल के हेडमास्टर गुरमीत सिंह सहित स्कूल के सभी विद्यार्थी भी मौजूद रहे। नाभा से हलचल के लिए राहुल खुराना की रिपोर्ट। मकसद जिवें साढ़े एनवायरमेंट दीआं बहुत वड्डीआं समस्यावां असीं फेस कर रहे हैं, हुणे करोना दे संकट चों निकल के हटे हैं, उस दे जिहड़ा मुख जिहड़ा सामने आया कि जिहड़ी हवा नूं असीं साफ सुथरा रखांगे उन्ना साढ़े मनुखी जीवन लई चंगा रहेगा। सरकार इस बार ग्रीन दिवाली मनाउण दे लई जतन कर रही है, लोकां नूं हर थां ते जाके प्रचार करन दी कोशिश हो रही है। उहदे तहत ही असीं अज ये कंसूहा कलां दे बच्चिआं ने प्राइमरी स्कूल दे बच्चिआं ने कोशिश कीती है कि असीं पटाके उहदे ने नारे सी कि पटाके नहीं चलावांगे, दिवाली असीं मनावांगे, दिवाली असीं मनावांगे, लड्डू पेड़े खावांगे, रुख लगाओ, जीवन बचाओ। ये गली गली दे विच अज बच्चिआं ने जिहड़े नारे ला के लोकां नूं इक सद्दा दित्ता है। अज सरकारी एलीमेंट्री स्कूल कनसूहा कलां विखे प्रदूषण मुक्त दिवाली मनाउण दा पिंड विच सुनेहा दित्ता गया है, जो कि सरकार वल्लों भी उपराले कीते जा रहे ने कि अपनी ग्रीन दिवाली मनाउणी चाहीदी है तां जो अपना वातावरण भविख विच सुरक्षित रह सके। असीं सारे बच्चिआं ने प्रण कीता कि असीं इस दिवाली ते पटाके नहीं जलावांगे तां जो वातावरण नूं प्रदूषण मुक्त कीता जा सके। अज साडे सरकारी एलीमेंट्री स्कूल कनसूहा कलां विच रैली कढ़ी गई है, जिस विच कहा गया है कि पटाके नहीं चलाने हन, ग्रीन दिवाली सेफ दिवाली मनानी है। पंजाब में जहां शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से लगातार ही बंदी सिंहों को रिहा करवाने के लिए अलग अलग ढंग से धरना प्रदर्शन कर मांग पत्र दिए जा रहे हैं, वहीं मानवीय अधिकार वेलफेयर सोसाइटी की प्रधान बीबी जसविंदर कौर की ओर से एक मांग पत्र श्री अकाल तख्त साहिब पर दिया गया। इस दौरान बीबी जसविंदर कौर ने श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार और पदाधिकारियों को अपील की है कि 21 अक्टूबर को निकाले जा रहे कैंडल मार्च को लेकर उनके पदाधिकारी या श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार इस मार्च में जरूर शामिल हो। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। जी, श्री अकाल तख्त साहिब हमेशा इतों ही सरबत दे भले की गल की गई है श्री अकाल तख्त साहिब तो, अज असी मनुखी अधिकार संगठन वालों श्री अकाल तख्त साहिब से बेनती करन आए हैं कि जो मनुखी अधिकारां दे तहत काफ़ी लंबे समय तो बंदी सिंघां दी रिहाई दे लई संघर्ष किया जा रहा है, जो मुहिम पंजाब भर दे विच शुरू की गई है कैंडल मार्च राही बंदी सिंघां दी रिहाई दे लई गल करन लई, उन्हां दे हक्कां दे बारे गल करन लई, जो कि मनुखी अधिकारां दी बहुत वड्डी उलंघना हो रही है कि काफ़ी लंबे समय तो जो बंदी सिंह जेलां विच अपनियां सजावां पूरियां करन दी बाद भी बैठे हुए ने, उन्हां दी जद रिहाई नहीं हो रही, उस चीज़ नूं लैके ह्यूमन राइट्स एसोसीएशन मानव अधिकारां दी उलंघना नूं मनुखी अधिकारां दी उलंघना नूं देखदे हां अज असीं श्री अकाल तख्त साहिब बेनती कीती है कि जो साडा 21 तरीक नूं श्री अमृतसर साहिब दे विच कैंडल मार्च होण जा रहा है उसकी अगवाई श्री अकाल तख्त साहिब वल्लों कीती जावे। श्री गुरु हरि राय साहिब जी के ज्योति जोत दिवस और श्री गुरु हरि किशन साहिब जी के गुरुता गद्दी दिवस के मौके पर बड़ी संख्या में संगतें सचखंड श्री दरबार साहिब में नतमस्तक होने के लिए पहुंची। इस दौरान संगतों ने सचखंड श्री दरबार साहिब में नतमस्तक होकर पवित्र गुरुवाणी का कीर्तन भी श्रवण किया और उसके पश्चात पावन सरोवर में डुबकी लगाकर सरबत के भले की अरदास भी की। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए संगतों ने कहा कि जहां श्री गुरु हरिकिशन साहिब जी की गुरुता गद्दी दिवस है तो वहीं श्री गुरु हरि राय साहिब जी का आज ज्योति जोत दिवस है और दो पर्व इकट्ठे होने पर इस महान दिन के अवसर पर वे श्री दरबार साहिब जी में नतमस्तक होने के लिए पहुंचे हैं और वाहिगुरु जी के समक्ष सरबत के भले की अरदास करते हैं। इसके साथ ही संगतों ने कहा कि हमें हमेशा ही गुरु साहिबानों जी के दिखाए मार्ग पर चलने की जरूरत है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की। मेरा नाम प्रोफेसर जसपाल सिंह, अमृतसर का वासी हूं मैं। सचखंड श्री अमृतसर साहब के दर्शन करने सारे आते हैं, कुछ इतिहासक पक्ष ने जिमें आप हरकृष्ण जी का अज जन्म दिहाड़ा तो नाल ही ये लीए तो इन्होंने पिता जी श्री हरि राय साहब जोड़े कि साढ़े सतवें पातशाह रहे हैं, सतवें गुरु सिखी के रहे हैं, उन्होंने अज के दिन ज्योति समाउण का दिवस है तो इन्हों का अठवीं पातशाह जी का अज के दिन जन्म का दिवस है, जन्म दिहाड़ा उन्हों का, जो कि अपने कीरतपुर साहब इन्हों का जन्म होया तो हरि राय साहब अज के दिन ज्योति जोत समाए।
सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर के पावन दरबार में साप्ताहिक भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें बाल व युवा गायकों ने मां भगवती की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। इस मौके पर गायक विजय कोड़ा ने गणेश वंदना को गाकर इस भजन संध्या की शुरुआत की, जिसके बाद वीनू सहगल, गोपाल पांडे, बिन्नी सावरिया, चंद्र, कन्हैया, डॉली, राजेश शर्मा और मीनाक्षी ने मां भगवती की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को मंत्रमुग्ध किया। इस दौरान कोषाध्यक्ष पविंदर बहल, मंच संचालक बलदेव आनंद और रमन शर्मा ने आई हुई भजन मंडलियों को माँ की चुनरी देकर सम्मानित भी किया। जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट। एक बारी महाराणे नाम दी ताड़ियां मारो जरा। गुस्सा करिया ना कर साडी गल दा असी तेरे बाल अम्मीए। गुस्सा करिया ना कर साडी गल दा असी तेरे बाल अम्मीए। गुस्सा करिया ना कर साडी गल दा असी तेरे बाल अम्मीए। गुस्सा करिया ना गल साडी गल दा असी तेरे बाल अम्मीए। साडा सुभा नहीं माए बल चलदा, साडा सुभा नहीं माए बल चलदा असी तेरे बाल अम्मीए। गुस्सा करिया ना कर साडी गल दा असी तेरे बाल अम्मीए। दैनिक सवेरा की ओर से शुरू की गई फेस्टिवल शॉपिंग धमाका सीजन 3 को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। इसी के चलते डेल एक्सक्लूसिव स्टोर में ग्राहकों को इस स्कीम के तहत कई प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इस मौके पर स्टोर के मैनेजर हर्ष चोपड़ा ने कहा कि उनके स्टोर में लैपटॉप खरीदने आने वाले ग्राहकों को इस स्कीम के चलते कई प्रकार के आकर्षक गिफ्ट दिए जा रहे हैं। दैनिक सवेरा द्वारा चलाई जा रही फेस्टिवल शॉपिंग धमाका स्कीम के लकी ड्रॉ में भी वे कई प्रकार के उपहार जीत सकते हैं। उन्होंने लोगों से स्कीम में बढ़ चढ़ कर भाग लेने की अपील की। हाँ जी, मैं हर्ष चोपड़ा जी, डिजिटल वर्ल्ड तो। मैं दैनिक सवेरा का बहुत बहुत शुक्रगुजार हाँ, उन्होंने अपनी स्कीम चलाई है साढ़े उत्ते। आकर्षक स्कीम है दिवाली फेस्टिवल धमाका। साढ़े को इतने लैपटॉप्स की पूरी रेंज अवेलेबल है, टच स्क्रीन गेमिंग लैपटॉप्स से जिन्हें भी प्रीमियम सैगमेंट है हर ब्रांड के साढ़े को अवेलेबल ने। तो कस्टमर असी लैपटॉप्स के नाल स्पीकरस, हैडफोनस, काफ़ी तरह के गिफ्ट दे रहे हैं, तो प्लस बंपर ऑफर भी दे रहे हैं उन्होंने। तो असी तुहानू गुजारिश करते हैं कि तुसी वध चढ़ के इत्थे आओ ते साडे को समान खरीदो, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, प्रिंटर सब। डिजिटल वर्ल्ड जलंधर। दैनिक सवेरा द्वारा चलाई जा रही फेस्टिवल शॉपिंग धमाका सीजन 3 का रोमांच लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है और लोग बढ़ चढ़कर स्कीम में हिस्सा ले रहे हैं। तो वहीं स्कीम को लेकर जालंधर के केसर एंटरप्राइजेस शोरूम में भी अलग अलग ब्रांड्स के प्रोडक्टर एक ही छत के नीचे कस्टमर्स को उपलब्ध करवाए जा रहे हैं और उन पर आकर्षक छूट दी जा रही है। ग्राहक भी स्कीम के चलते शोरूम में पहुंचकर बढ़ चढ़कर खरीदारी कर रहे हैं और कई प्रकार के नाम जीत रहे हैं।
मैं ईश्वरजोत सिंह केसर एंटरप्राइज शोरूम जलंधर तो साढ़े इतने दैनिक सवेरा वालों फैसटिवल धमाका स्कीम चलाई गई है जिथे काफ़ी सारे कस्टमर हिस्सा लै रहे हैं। साढ़े इतने एको छत के थले काफ़ी सारे तुहानू ब्रांड मिल जाएंगे जिदा सोनी वर्लपूल सैमसंग TCL होर भी कई ब्रांड मौजूद ने। केसर एंटरप्राइज साढ़े इतने काफ़ी सारी स्कीम चलाई जा रही ने, तुहानू कैशबैक दिते जा रहे हैं, तुहानू गिफ्ट दिते जा रहे हैं, 0% फाइनैंस भी अवेलेबल है। तुसी आओ ते जरूर एक बार साडे शोरूम ते विजिट करो। दैनिक सवेरा द्वारा चलाई जा रही फेस्टिवल शॉपिंग धमाका सीजन 3 का रोमांच लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है और लोग बढ़ चढ़कर इस स्कीम में हिस्सा ले रहे हैं। तो वहीं स्कीम को लेकर मरवाहा और मारुति कंपनी के शोरूम में भी स्कीम के तहत लोगों को कई प्रकार के गिफ्ट्स दिए जा रहे हैं। इस मौके पर कंपनी के अधिकारियों ने कहा कि उनका अधिकतर ध्यान रिटेल पर है, जिसके चलते कंपनी की ओर से नई स्कीमें भी लॉन्च की गई हैं। वहीं ग्राहक दैनिक सवेरा फेस्टिवल धमाका के लकी ड्रॉ के माध्यम से भी कई प्रकार के इनाम जीत सकते हैं, इसलिए उन्होंने लोगों को स्कीम में बढ़ चढ़ कर भाग लेने की अपील की। त्योहारों के मौके पर थोड़ा सारा बहुत बहुत बधाई हो, जिदा कि पता कि दिवाली का त्यौहार आने वाला है, सिर्फ 5 या 6 दिन रह गए हैं। उस मौके पर देखो मारुति कंपनी ने और मरवाहा आटोज ने बहुत अच्छी स्कीम्स लैके आदियां ने, प्लस दैनिक सवेरा का भी एक दिवाली धमाका चल रहा है जिदे काफ़ी अच्छे ऑफरस आ रही ने। मारुति कंपनी भी अपने गाहकों को बुलाने के लिए या गाहकों को होर उत्साहित करने के लिए अलग अलग कारों के उपर अलग अलग स्कीम दे रही है। इस मंथ जो आप देखा जाए तो 64,000 तक के फायदे कस्टमर मिल सकते हैं अगर कस्टमर साढ़े कोई आंदा जी। हाँ, अगर कस्टमर कोई पुराना 2-व्हीलर है और उस नाम से वो कार लैके जा रहा है, उसके बदले भी उन्होंने एक्सट्रा बेनीफिट जोड़े है वो दिते जा रहे हैं। कंपनी का इस टाइम फोकस हैगा ज़्यादा तो ज़्यादा रिटेल के उपर। कुछ गड्डियां वेटिंग दे विच भी चल रही ने, जिस तरह आर्टिगा होगी, ब्रेजा होगी, स्विफ्ट है, डिजायर है, उन्होंने ऑलरेडी साढ़े को वेटिंग काफ़ी देर तो आ रही है, कंपनी तो सप्लाई आ रही है, बट हूँ कस्टमर को काली है कि मेरे को गड्डी जल्दी चाहिए है, गड्डी जल्दी चाहिए है, बट शॉर्ट सप्लाई करके वो भी काफ़ी गड्डिया साड़िया जड़िया ने रुकिया हुई ने, जिड़िया सानू उम्मीद है कि कंपनी सानू 2-3 दिन के गड्डिया डिस्पैच हो जाएगी और असं दिवाली के मौके पर उन्होंने दे सकेंगे। प्लस इस तो बाद कंपनी एक नवी स्कीम लैके आई है इस मंथ गाहकों के होर थोड़ा जहा उत्साह भरने के लिए कि जिन्या भी गड्डियां असी इस मंथ अपनी डिलीवर करांगे उन्होंने एक लक्की ड्रॉ कूपन कंपनी ने कढ़िया होया जिदे गाड़ी पे गाड़ी ऑफर चल रही है जी। गाड़ी पे गाड़ी ऑफर मतलब जिहड़ी कस्टमर साढ़े तो कार लैके जाएगा, ऑल्टो, सलैरियो, एसप्रैसो, वैगनार, उन्होंने कूपन स्कीम चलती पी है। जिन्या गड्डियां आल ओवर अपने इधर विकनगियां उन्हां चों किसी एक लक्की कस्टमर नूं सलैरियो कार दिती जाएगी ब्रांड न्यू। दैनिक सवेरा की ओर से शुरू की गई फेस्टिवल शॉपिंग धमाका सीजन 3 की धूम पीपी मार्केट रामा मंडी जालंधर में भी देखने को मिल रही है। इस स्कीम के चलते शोरूम में इलेक्ट्रॉनिक्स के हर ब्रांड की खरीदारी करने पर लोगों को एक ब्लैंकेट भी फ्री दिया जा रहा है। इसके अलावा ग्राहक दैनिक सवेरा फेस्टिवल धमाका के लकी ड्रॉ के माध्यम से भी कई प्रकार के इनाम जीत सकते हैं। मैं कमलजीत, पीपी मार्केटिंग रामा मंडी हुशियारपुर रोड नियर जोहल हॉस्पिटल। असी दिवाली के शुभ अवसर पर स्कीम दैनिक सवेरा वालों लॉन्च की हुई स्कीम नाल इंट्रोड्यूस करा रहे हैं तेनों, ठीक है जी। आप सारे ब्रांड अपने को पैनासोनिक सैमसंग अवेलेबल है इलेक्ट्रॉनिक्स के अपने मोबाइल्स भी रखे हुए हैं, है अवेलेबल ने, एसी फ्रिज सब कुछ अवेलेबल है जी। तो अपने इस वेल जो दिवाली ऑफर लगी हुई है वो हर एक प्रोडक्ट के अपना वाशिंग मशीन तो फ्रिज के नाल कंबल एक ब्लैंकेट डबल बैड का ब्लैंकेट फ्री दे रहे हैं, तो नाल स्कीम दैनिक सवेरा की कूपन स्कीम है, लक्की डोर स्कीम हैगा है। और भी बाकी अपने प्रोडक्ट भी अवेलेबल है सर, बहुत उत्साह दे रहे हैं, अगे ना वध चढ़ के हिस्सा लै रहे हैं सर। पीपी मार्केटिंग सर अपने को इलेक्ट्रॉनिक दे विच पैनासोनिक हैगा है, सैमसंग हैगा है, एल ते नॉन रियलमी हैगा है, JVC दी हैगी, LED है। भारतीय कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर में रिटेलिंग स्टैंडर्ड को परिभाषित करने की अपनी प्रतिबद्धता को जारी रखते हुए LG इलेक्ट्रॉनिक्स पंजाब में 3 नए ब्रांड शॉप्स शुरू कर रही है, जिसके चलते जालंधर में सरदार ट्रेनिंग कंपनी, अमृतसर में सतगुरु एंटरप्राइजेस और गुरदासपुर में नितिन ट्रेडर्स नामक शॉप्स शुरू की जा रही हैं,
जिससे पंजाब के द्वाबा और माझा क्षेत्र में एलजी की 18 ब्रांड शॉप खुल जाएंगी। इसी के चलते जालंधर में एलजी ब्रांड की शॉप का उद्घाटन किया गया, जिसका उद्घाटन एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया के सेल्स हेड संजय चितकारा आशीष नंदा द्वारा किया गया। इस मौके पर बिजनेस हेड होम एंटरटेनमेंट गिरिसन गोपी, रीजनल बिजनेस हेड नवनीत करकारा और जालंधर शाखा प्रबंधक हिमांशु कलानी भी मौजूद रहे। इस मौके पर संजय चितकारा ने कहा कि एलजी ने हमेशा अपने ग्राहकों की ज़रूरतों और भलाई को प्राथमिकता दी है और अपनी सेवाओं को बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रहा है। इस मौके पर कंपनी के अन्य सदस्यगण भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। आज हम जालंधर में ये अपना 5वां स्टोर खोल रहे हैं, क्योंकि एलजी का एक्सक्लूसिव ब्रांड स्टोर है, और पंजाब में ये हमारा 90th स्टोर हैगा। और इसको खोलने की जो टाइमिंग है वो बड़ी शानदार है, क्योंकि दिवाली कुछ ही दिन, संडे को या मंडे को दिवाली है, और इस टाइम कंज्यूमर्स की बहुत डिमांड है, और ऐसे समय में बड़े ठीक टाइमिंग में हमने स्टोर्स को खोला है। इसमें एलजी के सारे वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स, प्रीमियम प्रोडक्ट्स जालंधर के अंदर हमारे कस्टमर्स को देखने के लिए और ख़रीदने के लिए मिलेंगे। इस स्टोर पर हमारे बड़े अच्छे ऑफर चल रहे हैं। एलजी की टीम सारे सीनियर हेड ऑफिस तो साढ़े सेल्स हैड, टेलीविजन डिपार्टमेंट के हैड, ब्रांड शॉप के हैड सारे अज पहुँचे ने, क्योंकि अज असी जालंधर शहर का 5वां एलजी का एक्सक्लूसिव स्टोर खोलिया। हुण इस नाल साडी जिहड़ी गिनती है 90 स्टोर पहुँच जाएगी। इंपोर्टेंट की है स्टोर के उत्ते, इस स्टोर के उत्ते बाकी ब्रांड शॉप जिहड़ी कंपनी दी हुंदी है उत्ते ऐसियां, सब तो पहला तो उत्ते डिस्प्ले हुंदा जिहड़ा कि तुहानूं कैनेडा, US जां कितें भी ग्लोब चले जाओ, इंग्लैंड, जो प्रोडक्ट उत्ते डिस्प्ले मिलेगा वह तुहानूं प्रोडक्ट इत्थे अवेलेबल होएगा। और अब एक जरूरी सूचना, यह तस्वीर जो आप देख रहे हैं गुमशुदा जसपाल सिंह की है, जो कि 371/5 भगत सिंह कॉलोनी जालंधर का निवासी है, जिनकी उम्र 55 साल, कद 5'7" और रंग गेहुआ है। जसपाल मानसिक तौर पर बीमार हैं, जो कि 15 अप्रैल 2022 से लापता है। अगर किसी को इनके बारे में कोई सूचना मिलती है तो मोबाइल नंबर 9464646748 पर या थाना डिवीज़न नंबर 1 पर संपर्क कर सकते। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नज़र फिर से। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने की केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी के साथ देश के सबसे बड़े जैव ऊर्जा संयंत्र को लोगों को किया समर्पित, किसानों को पराली के अवशेषों से मिलेगी राहत। अमृतसर की लिबर्टी मार्केट में एक दुकान में गोली चलने से फैली सनसनी, एक नौजवान हुआ घायल। सचखंड श्री दरबार साहिब में अलग अलग देशों के अम्बेसडर और हाई कमिश्नर हुए नतमस्तक, सूचना अधिकारियों की ओर से किया गया सम्मानित। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।